सीरियल पोरस में राजा बमनी देता है शिवदत्त को कड़ी सजा ताकि सारे गुनहगारों को सबक सिखा सके। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का सबसे पॉपुलर शो पोरस के आने वाले एपिसोड में ऑडियंस को देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ट्विस्ट। जैसा कि हमने पहले देखा था कि डॉरिस की चाल हो जाती है नाकाम पोरस और बमनी को आपस में लड़ाने के लिए, और इस चाल को नाकाम करती है और कोई नहीं बल्कि अनुसुईया रिपुदमन और लाची को जब पता चलता है कि पोरस और बमनी के बीच होने वाला है महायुद्ध, तब ये तीनों जल्दी से जल्दी युद्ध की जगह पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं और शिवदत्त इनके रास्ते में कांटा बनकर आ जाता है और इन्हें आगे जाने से रोकता है, और तब अनुसुईया रिपुदमन और लाची लड़कर हरा देते हैं शिवदत्त को, जिससे वो जाते हैं कामयाब युद्ध की जगह पहुँचने में। तभी अनुसुईया राजा बमनी को उसके और पोरस के सच बताती है, युद्ध को रुकवाती है। अब राजा बमनी को शिवदत्त के सारे गुनाहों के बारे में पता चल गया है, जिसके बाद वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करता है। राजा बमनी शिवदत्त का सर काटने का और उसे मारने का कड़े सजा देते हैं। बमनी ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो बाकी गुनहगारों को ऐसा काम करने से रोक सके, जिसके बाद वो अनुसुईया से मिलते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। अब शो में आगे देखना है दिलचस्प होगा कि क्या पोरस राजा बमनी को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लेगा, क्या शो में होगा इस बिछड़े हुए परिवार का मिलन। वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल पोरस में राजा बमनी देता है शिवदत्त को कड़ी सजा ताकि सारे गुनहगारों को सबक सिखा सके। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का सबसे पॉपुलर शो पोरस के आने वाले एपिसोड में ऑडियंस को देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ट्विस्ट। जैसा कि हमने पहले देखा था कि डॉरिस की चाल हो जाती है नाकाम पोरस और बमनी को आपस में लड़ाने के लिए, और इस चाल को नाकाम करती है और कोई नहीं बल्कि अनुसुईया रिपुदमन और लाची को जब पता चलता है कि पोरस और बमनी के बीच होने वाला है महायुद्ध, तब ये तीनों जल्दी से जल्दी युद्ध की जगह पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं और शिवदत्त इनके रास्ते में कांटा बनकर आ जाता है और इन्हें आगे जाने से रोकता है, और तब अनुसुईया रिपुदमन और लाची लड़कर हरा देते हैं शिवदत्त को, जिससे वो जाते हैं कामयाब युद्ध की जगह पहुंचने में। तभी अनुसुईया राजा बमनी को उसके और पोरस के सच बताती है, युद्ध को रुकवाती है। अब राजा बमनी को शिवदत्त के सारे गुनाहों के बारे में पता चल गया है, जिसके बाद वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करता है। राजा बमनी शिवदत्त का सर काटने का और उसे मारने का कड़े सजा देते हैं। बमनी ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो बाकी गुनहगारों को ऐसा काम करने से रोक सके, जिसके बाद वो अनुसुईया से मिलते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। अब शो में आगे देखना है दिलचस्प होगा कि क्या पोरस राजा बमनी को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लेगा, क्या शो में होगा इस बिछड़े हुए परिवार का मिलन। वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।